सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का काम है। राइटर मनीषा विधानी, एंकर नितिन दहिया। इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी। क्या होती है एरियल एक्शन मूवीज? कौन सी है सबसे बेस्ट एरियल एक्शन मूवी? कैसा होगा फिल्म में अनिल कपूर का रोल? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। आज तक हम सिर्फ हॉलीवुड की ही एक्शन मूवीज को देखकर सरप्राइज हो जाते थे, लेकिन बहुत जल्द ही हमें एक ऐसी इंडियन एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली है जो इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी होगी, जिसका नाम है फाइटर। और इसके मेन लीड में नजर आने वाले हैं ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर। और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं एक्शन फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, जो हमें पहली बार एरियल एक्शन मूवी का एक्सपीरियंस देने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते तो एरियल एक्शन जॉनर होता क्या है, तो आपको बता दें कि एरियल एक्शन मतलब ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें एरियल सिनेमेटोग्राफी, जो एक फिल्मी टेक्निक उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर, प्लेन्स और ड्रोन्स की मदद से ज्यादातर शूटिंग की जाती है। और उसमें एरियल शॉट्स मतलब हवा में ऊंचे स्तर पर हो रहे शॉट्स और एक्शन ज्यादा होते हैं। और ऐसी फिल्म आज तक कभी इंडिया में नहीं बनी है, शायद इसमें इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से ही, या फिर ये फिल्में काफी रिस्की होती हैं इस वजह से। लेकिन अब ये फिल्म बन रही है और बहुत जल्द हमें सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली है। साथ ही अगर हम बात करें हॉलीवुड की बेस्ट एरियल एक्शन मूवी के बारे में, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है टॉप गन सीरीज का, जिसमें हमने हम सबके फेवरेट टॉम क्रूज को मैवरिक के किरदार में देखा। और हाल ही में आई टॉप गन मैवरिक ने तो इतने सालों के बाद आने के बाद भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और कहा जा रहा है कि फाइटर में ऋतिक का किरदार भी टॉम क्रूज के जैसा ही होने वाला है। और इस फिल्म के अलावा भी 2019 में आई 1977 में आई स्टार वॉर्स और 2014 में आई गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी बेस्ट एलियन कॉम्बैट मूवीज हैं। साथ ही अगर इस फिल्म में अनिल कपूर के किरदार की बात करें, तो उनके किरदार को लेके दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहले तो वो फिल्म में विलन का रोल प्ले कर सकते हैं, या फिर इस फिल्म में ऋतिक के किरदार के एक बड़े सपोर्टिव किरदार में नजर आ सकते हैं। अनिल इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस पर से एक बात तो पक्की है कि वो जिस भी किरदार में नजर आएंगे वो बेस्ट तरीके से ही निभाएंगे। और इससे पहले ऋतिक, दीपिका और अनिल के इस ट्रायो को किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया है, जिससे एक बात तो तय है कि ये तीनों ही ऑडियंस को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हैं। क्या आपको हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।